प्लीज हर्षित जी आइए, कुछ चैलेंजेस बता दीजिए और नहीं तो शुरू करिए। गुड इवनिंग एवरीवन, और मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव है। और जनरली आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो बेसिकली है हमारा आपका कि बिजनेस मॉडल्स क्या क्या हैं, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे निकलेगी, और ग्रॉस मीटरिंग, नेट मीटरिंग। सर ने एक टॉपिक मेरे लिए और ऐड कर दिया कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो वो सब चीज़ों को साथ साथ में लेते चलेंगे। देखिए, बात हो रही थी स्टार्टिंग से कि सोलर की अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। ठीक है, विकास सर ने बताया कि सोलर में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका यादव सर ने बताया कि टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं, लेकिन बीइंग ए एंटरप्रेन्योर हम काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, मैं एज ए ईपीसी प्लेयर काम कर रहा हूँ, अपनी एक कंपनी रन कर रहा हूँ, और इसी तरीके से कोई सर्विस इंडस्ट्री में आ सकता है, कोई स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में आ सकता है। तो वास्ट एरिया है, और अभी ये बिजनेस बूम कर रहा है, ऐसा नहीं कि अब ये अपने डाउनफॉल पे आ गया। कई बार लोग कहते हैं कि ये बिजनेस अब आ गया अपने सैचुरेशन पॉइंट पे, अब यहाँ से डाउनफॉल होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि 105 गीगावाट हमें 2022 तक अचीव करना है, और जिसमें अगर हम बात करें सिर्फ रूफटॉप की तो वो 4500 मेगावाट की है। वो छोटा अमाउंट नहीं है, जो कि सोलर स्टेट पॉलिसी, यूपी स्टेट पॉलिसी में भी मेंशन है क्लियरली कि हमें रूफटॉप में 4500 मेगावाट करना अचीव। तो एक ह्यूज बिजनेस कर सकते हैं। तो मन भी नहीं बैठाना है कि यार क्या होगा आगे चल करके, मन भी नहीं बैठाना, लेकिन हाँ, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस होना होगा। काम करने के लिए आप जो क्वालिटी डिलीवर करने जा रहे हैं किसी की भी, जैसे लगातार सर भी बोल रहे हैं ना मेरे से कि मैं तुम्हारे सिस्टम को चेक करता रहूंगा, तो मैं श्योर्ड हूं कि मैंने जो सर को सिस्टम डिलीवर किया वो बेस्ट दिया है। तो हमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है, और ये मेरा मतलब मेरी कंपनी का भी की पॉइंट है कि हम इस चीज को लेके चल रहे हैं कि भाई रेट में नहीं करेंगे कम, क्योंकि आज के टाइम में सोलर इंडस्ट्री में ना रेट की बहुत ज्यादा फाइट है। हम कोट करेंगे कुछ रुपए पे, हमसे दूसरा बंदा आकर के कुछ और कम रुपए पे रेट कोट कर देगा, और जो हमारा जो कस्टमर है वो इतना अवेयर नहीं है, टेक्नोलॉजीज को लेके भी अवेयर नहीं है, और किस तरीके से इंस्टॉलेशन है उसको अवेयर नहीं है। लेकिन जहाँ पे ईपीसी प्लेयर्स हैं वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करते हैं, और हो सकता है अभी के टाइम में आप कॉस्ट कटिंग को लेकर के अपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के चक्कर में कि कितने ज़्यादा ज़्यादा हम प्रोजेक्ट्स बना लें, एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल देंगे एक सोलर के लिए। जैसे कि अभी भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं अरे आपका सिस्टम काम नहीं करता, अरे पूरे वर्ल्ड में इतना गजब का काम कर रहा है, कैसे कह सकते हो आपकी काम नहीं कर रहा है। तो यानी कि हमने कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने का मेजर फैक्टर है रेट को लेकर के, कि हम कॉस्ट कटिंग करते चले जा रहे हैं कि कितना सस्ता से सस्ता, सस्ते से सस्ता लेते आए सिस्टम कॉस्ट को, और वहां पे कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। अभी जैसे सर ने बताया ना कि डीसी साइड, एसी साइड, इन्वर्टर से पहले डीसी साइड होता है, इन्वर्टर के बाद एसी साइड होता है। अब यहाँ पे ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कॉस्ट कटिंग हो रही है। बहुत सिंपल सी कॉस्ट कटिंग लोग करते हैं कि डीसी वायर की जगह एसी वायर कर देते हैं, लगभग 10 times का डिफरेंस होता है डीसी वायर और एसी वायर की कॉस्ट में, और वहां से लॉसेज में अच्छा खासा डिफरेंसेज आ जाते हैं, आपके यूनिट जनरेशन पे तगड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो हमने तो अपना पैसा बचा लिया, हमने एक क्लाइंट को पकड़ लिया, लेकिन उसका कितना 25-35 साल का नुकसान कर दिया वो ना हम सोच रहे हैं, और एक जो सोलर के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट डालते जा रहे हैं सोलर इंडस्ट्री को, वो भी हम भूलते जा रहे हैं इन सब चीज़ों को करते हुए। तो अभी जो है ये तो एक पैरामीटर था, और मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों को क्वालिटी को लेकर के बिल्कुल ध्यान रखना है अगर एक अच्छा नाम करना है। हो सकता है आपको साल में 10 ही प्रोजेक्ट मिले आपके कॉस्ट के कारण, क्योंकि आपने कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है अच्छी क्वालिटी लगाने के लिए, लेकिन जो वो आप 10 सॉलिड प्रोजेक्ट करेंगे वो आपको कम से कम 100 next financial year में अच्छे रेफरेंसेस दे जाएंगे कि हाँ इस बंदे ने काम किया था और ये सिस्टम बहुत अच्छा मेरे लिए परफॉर्म किया है, और आप एक सोलर इंडस्ट्री को पॉजिटिव साइड लेके जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, जो मैं भी फेस करता हूँ कॉस्ट को लेकर के। पिच करते हैं कस्टमर को और वहां पे 2-2 किलोवाट में ऐसे रेट्स ईपीसी प्लेयर्स डाल के रखे हुए हैं कि जिसको कि आप सोच नहीं सकते हो कि कैसे करना है।
तो कहीं ना कहीं कोई भी पीसी प्लेयर अपने जेब से नहीं लगाएगा, वो कहीं ना कहीं कस्टमर का ही बैक पिचिंग कर रहा है, जो कि बहुत गलत चीज है। तो इसके बाद आते हैं कि मीटरिंग मैकेनिज्म क्या क्या है, किस टाइप की मीटरिंग मैकेनिज्म है। इसमें दो तरीके की मीटरिंग मैकेनिज्म होती है, ग्रॉस मीटरिंग और नेट मीटरिंग। ग्रॉस मीटरिंग का एग्जाम्पल ये है, मतलब ये होता है कि आपकी छत खाली थी, आपने सोलर प्लांट लगा लिया, जो भी जनरेशन हो रहा कंप्लीटली आपने गवर्नमेंट को सेल आउट कर दिया। लाइक सोलर फार्म, सोलर फार्म बहुत बड़े होते हैं, मेगावाट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन रूफ टॉप में ग्रॉस मीटरिंग एक छोटा प्रोजेक्ट है जो कि आपने अपने छत पे लगा दिया और जो भी जनरेशन हो रही है वो कंप्लीटली आपने गवर्नमेंट को सेल कर दी। दूसरा प्रोसेस होता है नेट मीटरिंग का। नेट मीटरिंग वो होती है कि जो भी जनरेशन हुई आपके सोलर प्लांट से, उसको आप पहले सेल्फ यूज करेंगे और सेल्फ यूज करने के बाद जो भी एक्सेस जनरेशन बची है वो आप गवर्नमेंट को डिलीवर करेंगे। नहीं तो अगर आप उस सेल्फ कंजम्पशन के बाद भी आपको शॉर्टेज पड़ गई तो आप गवर्नमेंट से परचेज करेंगे। तो ये होता है नेट मीटरिंग पॉलिसी। इन दोनों का मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपका ग्रॉस मीटरिंग में, कि किस तरीके से ग्रॉस मीटर कॉन्सेप्ट काम करता है। कि जनरेशन आपका 5 किलोवाट का था, 3 किलोवाट आप लगातार गवर्नमेंट से ले रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा टोटल 5 किलोवाट आप गवर्नमेंट को डिलीवर कर रहे हैं, उसके लिए 5 किलोवाट का जनरेशन का गवर्नमेंट आपको पे कर रही है। इसके बाद आता है नेट मीटर, कि नेट मीटर एक्चुअली काम कैसे करता है। यहाँ पे एक 2 किलोवाट का सिस्टम है, आपकी रिक्वायरमेंट 5 किलोवाट की, तो सिर्फ आपको 1 किलोवाट का जो जनरेशन का रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। हाँ, नेट मीटरिंग में एक चीज जरूरी है कि ये ध्यान में रखना कि फिक्स्ड चार्जेस हमेशा हमें पे करने हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसा नहीं है कि आपका 100% बिजली का बिल माफ हो जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे जनरेशन में भी चल रहे हैं तो आपको फिक्स चार्जेस तो पे करने ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कूल और इंस्टीट्यूशन है जो कि दिन दिन में रन कर रहा है और वो अपने 100% सैंक्शन लोड पे चल रहा है, तो उस 100% सैंक्शन लोड पे चलने पे वो पूरा जनरेशन तो गवर्नमेंट अपने सोलर से मीटअप कर रहा है, तो उसका मीटर तो चलेगा नहीं जो गवर्नमेंट से वो इम्पोर्ट कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको फिक्स चार्ज तो पे करने ही करने हैं। और जो कहा जाता है कि 365 डेज में से 300 डेज ही सिस्टम अपने 100% एफिशिएंसी पे वर्क करता है, तो हमें कस्टमर्स को भी ये समझा के चलना है कि 300 डेज का मन बना के चलिए, 365 दिन का मन बना के ना चलिए, क्योंकि ऐसा वेदर है इंडिया में कि आपको 365 डेज 100% एफिशिएंसी पे सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी नेट मीटर का है, कि जिसमें 5 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ था, 3 किलोवाट आपने सेल्फ यूज किया, 2 किलोवाट के लिए गवर्नमेंट आपको पे करेगी। तो इट इज बहुत सिंपल है। और यहाँ पे चैलेंजेस की बात कर सकते हैं नेट मीटर और ग्रॉस मीटर में, कि डिस्कॉम, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लखनऊ के लिए मध्यांचल हुआ, वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है ग्रॉस मीटर को, नेट मीटर को भी उतना सपोर्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि वहां उनके लिए रेवेन्यू लॉस है। तो ये सब चीजें हर डिस्कॉम एक ऑब्लिगेशंस लगाती है या कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस लगा के चल रही है, चाहे वो यूपी स्टेट की डिस्कॉम हो या किसी भी स्टेट की, तो वो उतना सपोर्टिव नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सोलर इंडस्ट्री को इन चीज़ों में फेस करना पड़ता है। कई बार आप जाओगे इंजीनियर से बात करने तो वो कह सकता है कि मेरे पास तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सोलर को लेकर के, आप मेरे को लीगल पेपर्स दिखाइए, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स दिखाइए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हम लोग भी फेस करते हैं, बट somehow somewhere आप MNRE के थ्रू और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर के थ्रू से जा करके इन चीज़ों को क्लियर आउट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत का नहीं है। लेकिन हाँ, डिस्कॉम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है, लगातार MNRE भी इस चीज़ को फोकस करके ट्रेनिंग्स कंडक्ट करा रही है डिस्कॉम्स के लिए भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कॉम अवेयर हो, डिस्कॉम को रेवेन्यूज के लिए भी समझा रही है कि किस तरीके से अभी एक नया स्कीम आने वाली है सब्सिडी को ही लेके, जिसमें कि सब्सिडी डिसबर्स होगी डिस्कॉम के थ्रू। अभी वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, वो समझा जा रहा है कि किस तरीके से होगा, बट इस तरीके की कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं कि जिससे कि आपकी जो डिस्कॉम से इश्यूज आ रहे हैं वो खत्म कर सके गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट को भी पता है क्योंकि ये सब रेवेन्यू लॉसेस हैं डिस्कॉम के लिए। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल्स में, दो तरीके के मेजरली मॉडल्स होते हैं, कैपेक्स मॉडल होता है और ओपेक्स पीपीए या रेस्को मॉडल। आप इन तीनों एक ही चीजें हैं लगभग जिसको कि आप कह सकते हैं। केपेक्स मॉडल वो है कि आप क्लाइंट को के पास गए, आपने उनको सिस्टम की बेनिफिट्स बताए,
सिस्टम के बारे में समझाया कि सिस्टम क्या है, क्लाइंट ने कंप्लीट सिस्टम परचेज किया, आप एमएनआरई के हिसाब से जाएंगे तो 5 years की एमसी आपको देना मस्ट है, तो आप 5 साल के लिए सिस्टम की एमसी पे ध्यान देते हैं, बाकी एज सच मेंटेनेंस कुछ होती नहीं है सिस्टम में, तो कंप्लीटली सिस्टम ओन्ड होता है क्लाइंट के एंड से, तो आपका पूंजी नहीं लगती। जैसे सर ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे ईपीसी के लिए एक अच्छा काम है, क्योंकि आप एडवांस में पेमेंट्स लेके चलते हैं, और ईपीसी के लिए एक सजेशन भी है कि एडवांस पेमेंट पे ही चलें, कोई भी तरीके का उधारी वाला काम ना करें, ज़्यादा बढ़िया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पैसे बहुत फंसते हैं सोलर इंडस्ट्री में अगर आपने उधारी पे चले तो। हाँ, रेट भी गिरते हैं, और फिर कस्टमर के पास अगर आपने पैसा रख दिया, क्योंकि ये जनरेशन बेस्ड है, तो हमेशा कहेगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये फैक्ट है, वो हमेशा ये कहेगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपकी जनरेशन नहीं मिलनी, चाहे आप जितना अच्छा सिस्टम दीजिए। तो जब आप 100% एडवांस पे चलते हैं, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट होता है कि कस्टमर बेबात का ये बात नहीं बोलता कि मेरे को जनरेशन नहीं मिल रही या सिस्टम सही नहीं है आपका। तो ये चीज़ें होती हैं आपके लिए। तो केपेक्स एक अच्छा मॉडल है न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, पैसे नहीं है जिनके पास, जैसे मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने इंडस्ट्री अपने ही इसी तरीके से स्टार्ट की है बींग ईपीसी। तो बहुत सिंपल सा है कि ईपीसी प्लेयर अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए केपेक्स बनने के लिए। रेस्को मॉडल और पीपीए मॉडल बेसिकली वो मॉडल है जिसमें कि ओनर अपनी छत देता है, आप उसके यहाँ सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, आप उससे पावर परचेज एग्रीमेंट करते हैं, वो पावर परचेज एग्रीमेंट में आप डिसाइड करते हैं कि मेरे से जो बिजली तुम खरीदोगे वो इतने रुपए यूनिट पे होगी। जैसे आज का प्रेजेंट रेट है 3.80 रुपए, इस पे आपने एक पीपीए एग्रीमेंट साइन किया कि 3.80 रुपए पे आप मेरे से खरीदोगे, 25 साल तक सारा सिस्टम मैं संभालूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, और उसके बाद 25 साल बाद मैं सिस्टम आपको हैंड ओवर कर दूंगा। तो ये होता है बेसिकली पीपीए। इसमें ड्यूरेशन घटा बढ़ा सकते हैं, यूनिट चार्जेस घटा बढ़ा सकते हैं, ये आप लोगों का आपस में टोटल ये कैलकुलेशन बेस्ड होता है कि किस तरीके से इसमें आपने बैंक लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट, ये सब चीज़ों को मिलाते हुए एक यूनिट रेट डिसाइड होता है कि इतने यूनिट रेट पे हम आपको सेल करेंगे और वो हमसे परचेज करेगा। इसमें रिस्क फैक्टर्स भी बहुत होते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, क्योंकि प्रीमाइसेस उसका है, उसके पूरे हाथ में है कि वो कभी भी आपको रोक सकता है अपने प्रीमाइसेस में एंटर करने से। तो आपने एक अच्छा खासा 100% ऑफ प्लांट कॉस्ट, अगर 50 किलोवाट है, 25 लाख आपने किसी के सिस्टम किसी घर पे लगाया और दूसरे दिन वो मना कर दे कि आप नहीं घुस सकते हो, तो 25 लाख का सीधा सीधा आपका नुकसान है। दैट इज, हाँ सर, नहीं एग्रीमेंट होता है सर, बट क्या होता है कि आप गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के संग एग्रीमेंट करने में ये चीजें चैलेंजेस आए हैं, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, और बिल्कुल, और उसके बाद क्या होता है कि जब आप प्राइवेट, सर आप कुछ भी रख लो सर, दैट इज द थिंग, दैट इज, हाँ दैट इज द थिंग कि बिल्कुल, इवन 5 साल बाद हो सकता है कि क्लाइंट आपसे कहे कि मेरे को इससे सस्ती बिजली ये दूसरा सोलर पावर प्लांट वाला लगा के दे रहा है, आप अपना पूरा प्लांट रिमूव करो, मैं उससे लगवाऊंगा। आप उस पर क्या कर सकेंगे, क्योंकि आप तो एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि मैं इतने साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक बार न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत रिस्की बिजनेस है, या तो आपके पास बहुत पैसा रखा हो, और अभी आज के टाइम में पैसा बचा नहीं होगा किसी के पास रखने के लिए, तो मैंने कहा आज के टाइम में किसी के पास पैसा होगा नहीं रखने के लिए, तो आपको टोटली बैंक डिपेंडेंट है, या कुछ ना कुछ तो आपके अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स पीपीए में लगते हैं, और उसके बाद अगर इस टाइप के कोई भी ऑब्लिगेशन 4-5 महीने के लिए भी अटक गई तो आपके लिए एक हैवी लॉसेज है, क्योंकि अगर आपने लोन लेकर के भी पीपीए मॉडल साइन किया है तो आपका तो इंटरेस्ट लगातार गिर रहा है आपके ऊपर, है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए।
तो बिजनेस मॉडल्स में केपेक्स और पीपीए ही होता है। इसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे सर ने बोला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर कंपोनेंट्स, सोलर पैनल्स कर सकते हैं, इसमें सोलर पैनल्स में भी आप आ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, इसमें आप इन्वर्टर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं, इसमें आप डीसी वायर केबल्स की, एसी वायर केबल्स की, एसी डीबीज, डीसी डीबीज, पूरा बैलेंस ऑफ सिस्टम में जहां पे भी आपको समझ में आए आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं। लेकिन उसका एक मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगा, तो ये एक चीज है। फिर उसके बाद आप एज अ सिस्टम इंस्टॉलर और ईपीसी काम कर सकते हैं, ये एक कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट तो कोई भी बिजनेस में होता ही होता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स होते ही होते हैं, कहीं पे कम होंगे कहीं पे ज्यादा होंगे, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपको करना है। अब इसके बाद एक और आता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, एक अच्छा मार्केट है, ये आने वाले समय में बहुत तेजी से होगा। जैसे कि अब बुंदेलखंड एक हमारा एरिया इस बार की सोलर पॉलिसी में डिफाइन हुआ है कि इसको सोलर बेल्ट की तरह, सोलर फार्म की तरह डेवलप किया जाए। अब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है बेंगलोर की जिसने कि इस पूरे प्रोजेक्ट को उठाया, तो उसके लिए वहां से बंदे यहाँ पे एम्प्लॉय करना एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चाहती है, तो वो क्या सोचती है कि आसपास के एरिया का कोई ईपीसी प्लेयर हो जो कि इसका ओएनएम देख सके, क्योंकि ओएनएम मेगावाट प्लांट के स्केल में मान के चलिए आपको डेली का डेली मेंटेनेंस देखना है, आपका एक इंजीनियर और एक सुपरवाइजर पूरे टाइम उस प्लांट पे अपॉइंट रहेगा डे एंड नाइट, कोई भी तरीके की मिसहैपनिंग से बचाने के लिए, किसी भी तरीके के फायर से, किसी भी चीज से। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आपके लिए उस जगह पे आप देख सकते हैं, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक अच्छा ऑप्शन है मेगावाट स्केल प्लांट्स के लिए। उसके बाद आता है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। अब भाई इतने पीसी प्लेयर्स ने गंदगी भी तो मचाई है खराब प्लांट्स इंस्टॉल करके, तो उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस एमएनआरई ने कह रखा है कि 5 साल एएमसी देनी है आपको, बट बहुत से पीसी प्लेयर नहीं देते, बहुत सी कंपनियां सोलर की बंद भी हो गई इस बीच में, तो वो जो प्लांट बंद पड़े हैं उनकी आप आफ्टर सेल्स सर्विसेज को देख सकते हैं, उनको पिच कर सकते हैं, उन क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं कि जिनके यहाँ सिस्टम इंस्टॉल्ड है उनको कैसे मेंटेन करें, उनकी सर्विसेज ना रुकें, इन चीज़ों को आप सोच सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है प्लांट ऑप्टिमाइजेशन। बहुत से प्लांट आज के टाइम में बिलो रेटेड चल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ यही सब चीज़ों की दिक्कत है, जैसे कि डीसी केबलिंग नहीं हुई होगी या कुछ ना कुछ फ्लॉजेज रहे होंगे, उन चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, टेक्निकलिटीज बहुत अच्छे से समझनी होंगी सोलर इंडस्ट्री की, तभी आप आफ्टर सेल सर्विसेज और प्लांट ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में घुस सकते हैं, बिना उसके नहीं घुस सकते। तो एक अच्छी आपको नॉलेज भी लेनी पड़ेगी इस चीज के लिए, तो आप प्लांट ऑप्टिमाइजेशन में अच्छा खासा काम कर सकते हैं। उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में भी आप काम कर सकते हैं, अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, टेक्निकलिटीज हैं, तो आप एज अ ट्रेनर भी वर्क कर सकते हैं, या आप अपना एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकते हैं सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड, दो सर का है। तो इस तरीके से ये सारी बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कि जहां पे हम काम कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? अब प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या क्या कॉस्टिंग्स आती हैं, कहां कहां कॉस्टिंग्स आती हैं, ये एक रफ फिगर है, इसमें जो रेट्स लिखे उनको पक्का मान के मत चलिए। मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि 5 किलोवाट तक का प्लांट में क्या कॉस्टिंग आएगी, 10 किलोवाट तक के प्लांट में क्या कॉस्टिंग आएगी, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, ऐसे फिर मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स में क्या कॉस्टिंग आएगी। तो ये एक एग्जांपल है कि एक मेजर रोल जो प्ले करता है आप देखेंगे इस उसमें, तो एक पैनल की कॉस्टिंग सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है, दूसरी इन्वर्टर्स की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है, लगभग दोनों को मिला करके 50% ऑफ टोटल कॉस्ट तो इन्हीं दो की जाती है। फिर स्ट्रक्चर्स की कॉस्टिंग आती है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, बैलेंस सिस्टम्स, सिविल स्ट्रक्चर्स, ईपीसी, ईपीसी का मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कोई भी काम फ्री में नहीं होता, तो आप उसमें अपना इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जोड़ते हैं। तो ये एक रफ फिगर है जिसमें कि आपका कहाँ कहाँ क्या क्या कॉस्टिंग आ रही है, और सब कुछ फिर वही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे कि हमें क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना होगा। सिस्टम क्वालिटी अगर आपने थोड़ी सी भी हैम्पर की तो आपका ही नाम खराब होगा, किसी और का नाम नहीं खराब होगा ना। पैनल आप बहुत अच्छे ब्रांड का लेके आएंगे तो भी
अगर आपने सिस्टम खराब इंस्टॉल कर दिया है तो उसका नाम नहीं खराब होने वाला, आपका नाम खराब होने वाला। वॉट पीक, जब भी सोलर में चलते हैं तो हमेशा डिनोशन इसी तरीके से KWP WP, आप पैनल में भी देखेंगे तो जो उसका रेटिंग होती है वो 250 WP होती है, दैट इज मैक्सिमम पीक जनरेशन। तो ये चीज होती है। एक जैसे एक किलोवाट में जो हम लोग क्लेम करते हैं 5 units पर डे का जनरेशन 300 days के लिए, ठीक है, तो इसको क्लेम करते हैं। तो ऑन एवरेज जब देखा जाता है, क्योंकि जब बहुत वेदर ना भी खराब हो, थोड़ा भी वेदर खराब है तो जनरेशन तो हो ही रही है हमारी, तो ऑन एवरेज निकालने के लिए इसको लिया जाता है कि 300 दिन तक सिस्टम हमारा 100% पर रन कर रहा है तो 5 units के हिसाब से जनरेट करेगा जनरेशन। एवरेज तो सर वेरी करता है ना, किसी दिन 3 units भी जनरेट होगा, किसी दिन 4 units, ये तो टोटल इरेडियंस पर डिपेंड कर रहा है ना, इरेडियंस, तभी तो मैंने बताया ना 5 units का जनरेशन एवरेज, जाने को 6 भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। एवरेज 5 units का जनरेशन 300 days का लेके चलते हैं इसीलिए। तो ये एक कॉस्ट 5 एवरेज है, एवरेज मान के चलिए। बिल्कुल हाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, प्लांट की क्या कॉस्ट आ रही है, कॉस्टिंग कम होती जाती है हर जगह। सर सोलर इन्वर्टर्स बैटरीज नहीं है, ऑन ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। नहीं नहीं, सोलर इन्वर्टर की जो वारंटी आती है कुछ कंपनीज 5 साल की देती हैं और कुछ कंपनीज 7 साल की देती हैं। अच्छे ब्रांड्स में जाएंगे तो 7 साल की देते हैं, ब्रांड्स में यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छे ब्रांड्स में 7 ईयर्स की, साथ में इन्वर्टर्स में एक ऑप्शन ये लोग ये भी देते हैं कि आप AMC ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर खुद देता है एक ऑप्शन, और जो कि 25% 30% ऑफ द टोटल इन्वर्टर कॉस्ट ले करके वो अप टू 20 ईयर्स तक की वारंटी आपको देते हैं सिस्टम पर। तो ओवरऑल आप कोशिश कीजिए कि AMC लेकर के उनके इन्वर्टर्स की भी वारंटी बढ़वा दीजिए, तो आपका जो आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस कॉस्ट है वो घट सकती है। तो इस तरीके से है, अभी MNRE ने भी अपना एक बेंचमार्क प्राइस सेट रखा हुआ है। आप MNRE की वेबसाइट पे जाएंगे MNRE.gov.in पे, तो वहाँ पे आपको एक MNRE बेंचमार्क प्राइस है, उन्होंने डिसाइडेड कर रखा है कि हर सिस्टम के हिसाब से क्या कॉस्टिंग होगी। ये बेसिकली मॉनिटर वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे टेंडर्स का ऑप्शन होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट में आपको रेट्स कोट करने हैं, तो या सब्सिडी का केस है तो आप ऐसा नहीं कि 75,000 में कोट कर देंगे तो सब्सिडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे फिर MNRE बेंचमार्क प्राइस पे ही मिलेगा आपको सब्सिडी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर रखे हैं एक रेट्स, वो MNRE बेंचमार्क प्राइस टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, ये अभी लेटेस्ट अपडेट है जो ये रेट्स चल रहे हैं, जिसमें कि इवन आपके स्ट्रीट लाइट्स के भी रेट्स हैं, आपके ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के भी रेट हैं, पावर प्लांट्स के भी रेट हैं, लिथियम आयन बैटरी के साथ भी स्ट्रीट लाइट्स के रेट्स हैं।